நேர்கொண்ட பார்வை நேரான வாழ்க்கை நெஞ்சை நிமிர்த்து வெட்டி உடுத்து நின் மைந்தர்களுக்கு மணிராஜ் காட்டன் வேட்டிகள் ஷர்ட்டுகள் பல ஆண்டுகளாக மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த திட்டங்கள் எல்லாம் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நிறைவேறி இருப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் உரையாற்றி வருகிறார். உரையை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். बहुत ही जल्द 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भी पूरा होने वाला है। इससे हमारी किसानों की आय बढ़ेगी। अभी तक सरकारी कंपनियां 1,00,000 करोड़ रुपया से ज्यादा का इथेनॉल खरीद चुकी हैं। इन सारे प्रयासों से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम होगी। कुछ दिन पहले ही बंगाल की खाड़ी में एक नया ब्लॉक में तेल उत्पादन शुरू हुआ है। ये देश के लिए एक बड़ी सफलता है। माननीय सदस्यगण, धरती में महत्वपूर्ण खनिजों की मात्रा सीमित है, इसीलिए मेरी सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहित कर रही है। भारत की पहली व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का लक्ष्य भी है। गहरे समुद्रों में खनिजों की संभावनाओं को तलाशना भी जरूरी है। इसी लक्ष्य के साथ डीप ओशन मिशन शुरू किया है। इस मिशन में अपने समुद्री जन जीवन के बारे में हमारी समझ भी बेहतर होगी। भारत का समुद्रयान इस क्षेत्र में शोध कर रहा है। मेरी सरकार भारत को दुनिया की एक बड़ी स्पेस पावर बनाने में जुटे हैं। ये मानव जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। साथ ही ये स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी प्रयास है। भारत के स्पेस प्रोग्राम के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके कारण अनेक नए स्पेस स्टार्टअप्स बने हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जो भारत का गगनयान स्पेस में जाएगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने भारत को दुनिया के अग्रणी डिजिटल इकोनॉमीज में से एक बनाया है। इससे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। हमारा प्रयास है कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत दुनिया में सबसे आगे रहे। मेरी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन पर काम कर रही है। ये भारत के युवाओं को नए अवसर देगा। ये नए स्टार्टअप्स के लिए संभावनाएं खोलेगा। इससे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगी। मेरी सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन भी स्वीकृत किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग नए दौर की डिजिटल व्यवस्था बनाएगा। इस क्षेत्र में भारत आगे रहे, इसके लिए काम शुरू हो चुके हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए निरंतर नए कदम उठा रही है। इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाएगी और उसे तेजी से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बोल दिया गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में प्रारंभ कर दी गई है। स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मेरी सरकार 14,000 से अधिक पीएम श्री विद्यालयों पर काम कर रही है। इनमें से 6,000 से अधिक विद्यालय शुरू हो चुके हैं। मेरी सरकार के प्रयासों से देश में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। उच्च शिक्षा में छात्राओं के दाखिले ज्यादा हो रही है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के नामांकन में लगभग 44% वृद्धि हुई है। नामांकन में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 65% और ओबीसी के विद्यार्थियों को 44% अधिक वृद्धि हुई है।
इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 2000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए हैं। इसमें 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। साल 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। वही पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। एक सौ 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले दशक में एमबीबीएस की सीटों में दोगुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यगण, पर्यटन क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार देने वाला एक बड़ा सेक्टर है। मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत में घरेलू टूरिस्ट की संख्या के साथ ही भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। आज दुनिया भारत के को देखना और जानना चाहती है। इसके अलावा शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है। जगह जगह एयरपोर्ट बनने से भी बहुत फायदा हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रही है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। इससे अब भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है। वही दुनिया भी भारत में हेरिटेज टूरिज्म को लेकर आकर्षित हो रही है। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। पांच करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। उन्नीस लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। मेरी सरकार भारत को मीटिंग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रणी बनाना चाहती है। इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में टूरिज्म रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। माननीय सदस्यगण, देश की युवा शक्ति को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए हम स्पोर्ट्स इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मेरी सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को अभूतपूर्व मदद दी है। आज भारत एक बहुत बड़ी खेल शक्ति बनने को की ओर अग्रसर हो रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ ही आज हम स्पोर्ट्स से जुड़े दूसरे क्षेत्रों पर भी बोल दे रहे हैं। आज नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन चुकी है। देश में हमने दर्जनों सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए हैं। इससे स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के रूप में चुनने का अवसर युवाओं को मिलेगा। खेल उपकरण से जुड़ी इंडस्ट्री को भी हर प्रकार की मदद दी जा रही है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अनेक खेलों से जुड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का शानदार आयोजन किया। देश के युवाओं में कर्तव्य बोध और सेवा भाव का विस्तार करने के लिए मेरा युवा भारत संगठन बनाया गया है। अभी तक इस संगठन से लगभग 1 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं।
माननीय सदस्यगण, संक्रमण काल में एक मजबूत सरकार होने का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा है। बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दरार पड़ गए हैं। इस कठिन दौर में मेरी सरकार ने भारत को विश्व मित्रों के रूप में स्थापित किया है। विश्व मित्र की भूमिका के कारण ही आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाए हैं। बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है। पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रम को दिल्ली के गलियरी तो की सीमित रखा जाता था। मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया है। भारत ने G20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा, ऐसा पहले कभी नहीं था। देश भर में हुए कार्यक्रम के जरिए भारत के वास्तविक सामर्थ्य से दुनिया का परिचय हुआ। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। पूरी दुनिया ने भारत में हुए ऐतिहासिक G20 सम्मेलन की प्रशंसा की। ऐसे बंटे हुए महलों में भी एकमत से दिल्ली घोषणा पत्र जारी होना ऐतिहासिक है। वुमेन लीड डेवलपमेंट से लेकर पर्यावरण के मुद्दों पर भारत का विजन दिल्ली घोषणा पत्र की नींव बना। हमारे प्रयासों से G20 में अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्यता को भी सराहा गया है। इसी सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण को की घोषणा हुई है। ये कॉरिडोर भारत के सामुद्रिक सामर्थ्यों को और सशक्त करेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च होना भी बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार के कदम वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका का विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौरे में भी भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। भारत की विदेश नीति का दायरा आज अतीत की विदेशों से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज भारत अनेक वैश्विक संगठनों का सम्मानित सदस्य है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया के एक प्रमुख आवाज है। भारत आज संकट में फंसी मानवता की मदद के लिए मजबूती से पहल करता है। दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत वहां तेजी से पहुंचने का प्रयास करता है। मेरी सरकार ने दुनिया भर के काम कर रहे भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। அந்நிய முதலீடு அதிகரிப்பால் கூடுதல் வேலைவாய்ப்பு, உற்பத்தி துறையில் இந்தியா முக்கிய இடம் வகிக்கும் என்று உலக நாடுகள் எதிர்பார்க்கின்றன. விண்வெளி திட்டங்களிலும் உலக அளவில் சக்தி வாய்ந்த நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது என்று குடியரசுத் தலைவர் உரையாற்றி வருகிறார். நேர்கொண்ட பார்வை, நேரான வாழ்க்கை, நெஞ்சை நிமிர்த்து வெட்டி உடுத்து. மைந்தர்களுக்கு மணிராஜ் காட்டன் வேட்டிகள், ஷர்ட்டுகள்.